जौनपुर के सिगरामऊ थाना क्षेत्र के अंतर्गत दयालापुर देहुड़ा गांव से होकर गुजरने वाली पीली नदी पर ग्रामीण आज भी बांस बल्ली के सहारे नदी को पार करते हैं, लेकिन आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि व नेता का इस बांस बल्ली वाले पुल पर ध्यान नहीं गया, अन्यथा यहां भी पुल का निर्माण हो गया होता। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पीली नदी को किस तरह पार कर रहे हैं, आप इस तस्वीरों में देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। यदि नदी पार करते समय एक भी बांस बल्ली टूट जाए तो क्या होगा, जरा यह भी सोच लीजिए। बारिश के दिनों में तो नदी में पानी का बहाव बढ़ जाता है, इसके बावजूद भी लोग नदी को पार करते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि वह कई बार उक्त नदी पर पुल बनवाने की मांग को लेकर जनप्रतिनिधियों से कहें, लेकिन आज तक सिर्फ आश्वासन ही मिला, जिससे ग्रामीण अपनी जान की परवाह किए बिना इस बांस बल्ली वाले पुल से नदी पार करते हैं। इस पे जो है आने जाने में बहुत दिक्कत होती है हम लोगों को, जो है जी। जब बारिश होती है पुल बह जाता है, हम लोग घूम करके जी आते हैं लालगंज होकर के 10 किलोमीटर पड़ता है जी, और बहुत दिक्कत होती है। इसमें कल एक बच्चा भी गिर पड़ा था जो है। अच्छा अच्छा, बच गया? बच गया, उसमें वो मछली मारने वाले थे जो है लोग, वही बचाए उनको जो है। अच्छा, मतलब बहुत दिक्कत होती है। ये पुल बनाया नहीं जा रहा है? पुल नहीं बनाया जा रहा है, आश्वासन मिलता है सांसद विधायक से, आश्वासन मिलता है बस, आश्वासन मिलता है भाई। आपका नाम? हमारा नाम है संपूर्णानंद मिश्रा एकडला।